राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने 30 से ज्यादा विधानसभाओं में झुग्गी बस्ती स्वच्छता अभियान चलाया। दिल्ली बीजेपी के इस अभियान में पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आनंद विहार पर मौजूद जेजे क्लस्टर कैंप में इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मानसून के वक्त आसपास सफाई रहना बेहद जरूरी है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हमारे संवाददाता प्रणय ने खास बातचीत की है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी के द्वारा आज झुग्गी बस्ती स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विश्वास नगर विधानसभा के जेजे कैंप में मौजूद हैं और यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, इस अभियान के पीछे का उद्देश्य क्या है? अचानक पार्टी ये अभियान चला रही है, इसके पीछे कोई खास वजह? उद्देश्य सीधा सा है कि लोगों को जागरूक करना है। मानसून का सीजन है, लगातार डेंगू और डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं और अगर आसपास आप सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं तो निस्संदेह अपने परिवार और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखते हैं। और लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो वो चिंता का विषय था और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो अपने आसपास जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, तो आसपास की सफाई रखना और जितना उसको हम इस संदेश को लेके जाएंगे और सफाई को अपने जीवन का एक अंग बनाना। इस अभियान के जरिए MCD पर भी हमला करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से? दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार, इनसे अपेक्षा करना वाजिब नहीं है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता से हम ये अपील कर रहे हैं कि अब वो स्वयं ये आदत डालें, क्योंकि ये तो सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। हमें खुद अपने जीवन के लिए, अपने पड़ोसियों के जीवन के लिए, अपनी दिल्ली की जनता के जीवन के लिए खुद आगे आना होगा। आज कितनी जगह अभियान चलाया जा रहा है और झुग्गी जो नाम दिया गया अभियान का, झुग्गी बस्ती स्वच्छता अभियान, इसके पीछे क्या खास वजह है? सिर्फ झुग्गियों में ही सफाई? आज मोटा मोटा 30 विधानसभाओं में हमने ये टारगेट लिया है और लगातार इसको 70 विधानसभाओं में लेके जाएंगे। ये झुग्गी बस्ती अभियान इसलिए कि यहाँ भारी मात्रा में लोग रहते हैं, यहाँ क्लस्टर्स हैं तो अधिक मात्रा में लोग रहते हैं तो यहाँ गंदगी और बीमारी फैलने का खतरा अधिक होता है। तो इसलिए इन लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, इन लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि ये अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके लिए स्वच्छता उनके जीवन का एक अहम अंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और इनका कहना है कि क्योंकि मानसून का भी सीजन है, ऐसे में आम जनता को जागरूक करना भी एक प्रमुख वजह है जिसे चलते ये इस अभियान को चलाया जा रहा है। जेजे कैंप में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं अध्यक्ष के साथ वो भी मौजूद हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टूल टीवी, दिल्ली।